Thank you.
ऐसे ऐसे सब जीवन भर उनके प्रभु हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने ऐसे ऐसे साहसपूर्ण कार्य किए जो उनके गुरु भाई लोग भी उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। हमारे परम पूज्य पाठ मित्र लीला मनीष्कर विष्णुपाशिद्ध भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज उन्होंने उनका नाम रखा था पाषण बजय तो सिंह उनका नाम रखा था पाषण बजय तो सिंह स्वामी भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज पाषण में सवरा पाषण जो दो दुवार नौ बड़े साहसी थे और गुरु की निष्ठा इनके संबंध में हम लोग यहाँ जो वैष्णव लोग आए हुए हैं उनसे हम लोग कुछ अभी सुनेंगे प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज के संबंध में गुरु सेवा के संबंध में कुछ वर्णन कर साथ में हम लोग ये भी विचार करेंगे क्या करें वर्तमान जैसी परिस्थिति है उसमें गुरु सेवा और भगवान की सेवा किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं भगवान का भजन कर सकते हैं इसके संबंध में निर्देश में जसोदा दुख फल भाव परम
Thank you.
Yeah.
Yeah.
उनको पकड़ने के लिए बहुत पहले से तैयार है। इसी प्रकार का हम करते जब उसके घर में घुसे तो वो भी उसी के दरवाजे से आ गए। कृष्ण ने भांड में हाथ दिया और उसने लपक कर उसे पकड़ लिया। क्या करता है, क्या कर रहा? तो उसने कहा, मैं अपने बच्चे को तो दे रहा हूं, तुम्हारा बकरा क्या इसे कहते बकर टूट गया है, कहां पर बचा इसमें टूट गया है। ये करके हाँ ऐसे करता थे और बेचारा जैसे हमारे बाबा ने भागवत पर कार्य बछड़ा दिया था, वो चलते चलते इसी को चला गया, इसी को ढूंढ रहा था। तो तुम्हारा बछड़ा तुम्हारे घर से यहाँ यहाँ तक कैसे आ गया? इस तरह से प्रतिदिन दुष्टता की जाती ऊपर सिक्के मारते हो तो वो तो बच्चों के तंत्र पर चढ़ करके धीरे धीरे आवश्यक है। आज यदि इस पर नहीं चढ़ सका तो कोई झटका लेकर के बीच में छेद कर सकता है, वो सब कुछ टूट जाता है। इस तरह से काफी जब हो रहा है भैया ने विचार किया कि ये क्या रहा। मां आके विचार करते लगे कि
कवर उतारने से उनके अंदर को बाहर प्रकाशित होते हैं। एक खंभे में रस्सी का लगा और मंत्री दंड में उन्होंने रस्सी को लगा दिया और घर में घर बैठ चुकी है। मैं आपके घर में खाती हूँ, उनकी शपथ खाती हूँ और तुम्हारे
दुर्गा जी के कारण सारा है, जैसे कृष्ण के और उसके यशोदा के चरित्र कर रहे हैं और गांव तक की चली जा रही है कृष्ण के उन लीलाओं का स्मरण करके उद्धार आंखों से अश्रु की धारा
कभी रोमांचक कभी कम शौक अस्मित जागरण के साथ के भाव है व्यभिचार के भाव और ये सब और एक कम बासठ वर्ष में भी उठ गए कभी स्त्री सुनती कभी कुछ करती लाड लाड थोड़े देर में आश्रम में दूध रखा था गरम हो रहा था अब उसमें दही लगाएंगे जिससे कि वो दही जमे इतने में अगर कृष्ण की दूध पूरी नहीं थी और देखा देखो जिससे दूध उफन रहा है हड्डिया सोचा ये दूध गिर जाएगा तो कृष्ण खाएंगे क्या फिर दही कैसे बनेगी मक्खन कैसे बनेगा इसलिए उसको उतार देना चाहिए किंतु कृष्ण एकदम पकड़ रखा है उनको उधर दूध समझता है अनंत प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं दूध गिरता है लेकिन कृष्ण की स्वामी में नहीं लगा हमें यदि कृष्ण सेवा के नाम आता तो ये जीवन के भी यदि कृष्ण यदि हम कृष्ण की सेवा में नहीं लग सके तो हमारे जीवन के भी कार्य भक्त लोग ऐसा है कि यदि हमारा जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो ये जीने से कुछ लाभ नहीं है चेष्टा की अध्यक्षता ने देखा किसी ने तो उतारना नहीं चाहता
यदि कृष्ण की भक्ति करने से हमें आनंद मिलता है तो ये भक्ति नहीं है, ये काम हो गया। इसलिए भगवान की सेवा करके हमको आनंद होगा, किसी से भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। हमें दुख हो चाहे कष्ट हो, हमें कुछ भी हो, कृष्ण को आनंद होना चाहिए। और आनंद में भी प्रतिकूल भावना नहीं होनी चाहिए। कृष्ण को पूछे या प्रतिकूल भावना लेकर के उनकी सेवा नहीं करे, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। दिखलाया भक्ति में दो विचार।